चल रहा है और मैं भी मजी ले लाग रही हूँ। और आपको ये पावर मीटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्दी से जल्दी पावर मीटर के लिए ऑर्डर करें। स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब कहते हैं कि हमें दूसरा चक्कर बैठ के करना है जी, तो उसके लिए हमने ये स्वीट अटैचमेंट तैयार करी है। ये दूसरा गियर लग गया, दूसरा गियर लग गया और बिल्कुल लिफ्ट है और साथ में घास भी हुई है, तो सब तो उखाड़ के फेंक रही है ये घास को भी मिट्टी को भी। नीचे देखो इतनी नीचे चली गई है, गिली मिट्टी आ गई है। सर तीसरा गियर और लगाओ और उधर लेके जाओ सूखी मिट्टी में, तो उधर सूखी मिट्टी में देखेंगे चला के। जो लोड पड़ने की बात है तो लोड के लिए फिर मैं इस पे कामा का गियर बक्सा यूज़ किया है। कामा का बहुत बड़ी कंपनी है, डीजल इंजन और डीजल पावर रीडर्स भी वो बनाती है। हमारे पास भी कामा इंजन के बहुत पावर रीडर्स हैं। इस प्रियंका कोहाड़ की फिर से आप सभी को प्यार भरी राम राम। और फिर हाजिर है हम पलवल में, तो पलवल में आप दिखाएंगे कि सबसे मतलब एक कहते हैं एक पोता हुआ है एक बेटा हुआ है, आज दिखाओगे दादा, तो पावर टिलर का दादा आपने दिखाओगे आज। और आपने पेट्रोल की देखी होगी युवती, आज दिखाओगे डीजल का। और डीजल में दिखाओगे इसके भीतरते ही के क्या करा आठ गोड्डे, तो सारे इसके आठ गोड्डे भीतरते ही दिखाओगे कि आठ गोड्डे के ऊपर क्यूकर है, तो सारी चीज़ दिखाओगे। एक बार हमारे साथ शिवम गुप्ता जी हैं, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ में। हाँ जी। और सर आज ऐसे नहीं मानेंगे, एक बार खोल के इसका इंजन और भीतरते इसके आठ गोड्डे दिखा दो किसे किसे हैं। जी जरूर दिखाएंगे, हमारा काम समझाना है, किसान भाइयों तक मशीन पहुंचाना है। ये डीजल में है? ये डीजल में है जी, 10 HP का है। 10 HP का है जी। और एक और बता रहे हो सर कि इसका जो साइज है 12 CC का है। इसका हमने 456 CC का किया है। अच्छा। जो कि 12 HP जितने इंजन में यूज होता है, तो एक किस्म से इसमें 12 HP जितना CC है और 10 HP जितनी पावर है। तो सर बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले एक बार इसके अंदर तक हमारे अगर देसी भाषा में बात करते हैं आठ गोड्डे दिखा दो खोल खोल के ऊपर ऊपर है। एक बार बताते भी रहो सर साथ में, दिखाते भी रहो कि क्या सिस्टम है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा डीजल इंजन है, 188 F आप देख सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को पता है जो भी पावर रेटर यूज़ कर रहे हैं कि 188 F डीजल इंजन कौन सी सीरीज का होता है। ये डीजल इंजन हमारा यामा का डीजल इंजन है। और आप कई किसानों के दिमाग में ये रहता था कि यामा का जी पेट्रोल इंजन ही आते हैं, डीजल तो हम पहली बार सुन रहे हैं। इसका ये इसकी है जी। और इस इंजन में जो खास बात है कि इसमें हमने फ्लेक्स अल्टर, एक तो ये इंजन है, साथ के साथ इसमें फ्यूल की कंजप्शन बहुत ही हमने मिनिमम रखी है, साथ के साथ वर्किंग आवर्स इसका बढ़ा दिया। वर्किंग आवर्स मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ काम करने की क्षमता है इसकी बढ़ गई है। अब हम आप सोचते होंगे हमारे किसान भाइयों को मैं ये बता दूँ कि इंजन का साइज़ हमने क्यों बढ़ाया है, क्या वजह है। तो इसके बीच की वजह ये है कि पहले क्या देखा जाता था कि डीजल इंजन मेंटेनेंस बहुत मांगता था, ऑयल लीकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डीजल इंजनों में देखी गई है। साथ के साथ डीजल इंजन में क्या होता था कि इंजन लोड खा लेता था। तो इस जब चीज़ों को हमने जब ध्यान में रखा, हमारे किसान भाइयों से मैंने सुझाव लिया, तो इसमें मैंने सोचा कि हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं, पावर रखते हैं उतनी साइज़ बढ़ाते हैं, ताकि एक तो आपका जितना इंजन में ऑयल है वो मात्र रहे, और कोई जो भी इंजन में हीट पैदा हो रही है या फिर गर्मी जो इंजन में बन रही है वो कहीं ना कहीं से निकले, ताकि अगर गर्मी और ऑयल एक जगह पे भी रखोगे तो वो ऑयल निकालने की कोशिश करेगी गर्मी, क्योंकि वो बिल्कुल प्रेशर बना देता है। दूसरी बात कि हमारे जो लोड पड़ने की बात है, तो लोड के लिए फिर मैं इस पे कामा का गियर बक्सा यूज़ किया है। कामा का बहुत बड़ी कंपनी है, डीजल इंजन और डीजल पावर रीडर्स भी वो बनाती है। हमारे पास भी कामा इंजन के बहुत पावर रीडर्स हैं। इसमें हमने कामा का गियर बॉक्स यूज़ किया है। 3 गियर का एक गियर बॉक्स है, 3 फॉरवर्ड गियर 1 रिवर्स गियर, टोटल 4 गियर का इसमें हमने गियर बक्सा यूज़ किया है। बड़ा गियर बक्सा लगाया है, इसकी गरारी तक हमने बड़ी लगाई है और शाफ्ट इसकी बहुत लंबी लगाई है, ताकि डीजल इंजन की मेंटेनेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इस पर लोड बिल्कुल नहीं पड़े, चाहे कैसी भी मिट्टी हो, चाहे आपको इस मशीन से, मैं कह रहा हूँ इस मशीन से आप 10 एकड़ जितना काम आसानी से कर सकते हैं। हमारे बड़े किसान जो बड़ी खेती कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं, वो इस मशीन को भी अपने साथ लेकर काम आसानी से कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्षमता की ये मैंने मशीन तैयार करी है। अगर मैं इसकी पूरे के पूरे फंक्शनों की बात करूँ, तो इसमें हमने वो सारे फीचर्स लगाए हैं, जैसे आपका 16 प्रोजेक्टर LED लाइट हो गया, साथ के साथ आपका टूल बॉक्स का फीचर हो गया, इसमें इमरजेंसी लाइट लगा दी, सेफ्टी के लिए मैंने इमरजेंसी स्टॉप, हैवी मड गार्ड, बढ़िया लोहे के मटेरियल के हैंड रेल्स, सेफ्टी गार्ड्स,
सब चीज़ें सेफ्टी के ऊपर मैंने यूज़ करी हैं, साथ के साथ 360 डिग्री हैंडल का यूज़ किया ताकि आप इस मशीन को घुमा सको। अगर आप देखो कि इस मशीन में डीजल के साथ हमने बड़ी स्टार्टिंग कॉइल भी लगाई है। स्टार्टिंग कॉइल पहले डीजल इंजन के साथ आती थी पर वो छोटी होती थी, जिससे मशीन थोड़ा टाइम लेती थी और बैटरी की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए इसकी बड़ी कॉइल लगाई है जिससे आपको मशीन स्टार्ट करते वक्त भी सेल स्टार्ट में कभी दिक्कत ना आए, कोई अल्टरनेट आपका ख़राब ना होए, तारे ख़राब ना होए, सेल स्टार्ट ख़राब ना होए। इस चीज़ के लिए मैंने इसमें मोटी कॉइल, हैवी प्रीमियम क्वालिटी की कॉइल यूज़ करी हुई है। सर कुल मिलाकर सारी चीज़ों का ध्यान रखकर यह चीज़ बनाई गई है? ध्यान रख के, और सारी चीज़ इसमें प्रीमियम क्वालिटी की है, एक भी चीज़ मैंने कोई इसमें सारी ए टू जेड चीज़ मैंने इसमें क्वालिटी की लगाई है ताकि किसान भाइयों के क्वालिटी मशीन जाए और मशीन जब आपके घर पे पहुँचे तो एक आपके साथी बन के, आपका किसान भाई बन के ये मशीन चले खेत में और आपके बिल्कुल उम्मीदों पर खड़ा उतरे। सर एक बार में कितना डीजल आ जाता है इस टंकी में? ये जी हमारा लगभग 4-4.5 लीटर का टैंक इसमें हमने यूज़ कर रखा है, मतलब एक बार में इतना डल जाता है। हाँ हाँ सर, अगर मतलब बात करें तो फिर इसको चलाने की, तो चला के देखें, क्योंकि देखो अभी तक पेट्रोल के बहुत सारे हमने ये देखे हैं, लेकिन डीजल का ये और वो भी 10 HP में आपने बताया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सख्त भूमि है, यहाँ पर आप सूखी पड़ी है भूमि, मतलब इसी भूमि में चलवा के देखेंगे कि किस प्रकार से काम करेगा ये, तो उसके बाद ही फिर आगे की ये जो भी है जानकारी इनसे हासिल करेंगे। एक बार सूखी मिट्टी है सर यहाँ पर, एक बार सूखी मिट्टी में चला के दिखाओ कि किस प्रकार से तीनों गियर में चलाते हैं जी। अभी आपने बैक गियर बताया है तो बैक गियर में भी चला के दिखा, वो भी चला देंगे जी। तो सारा कुछ, सारा डेमो अभी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा मशीन का, साथ के कैसे आपका रोटावेटर बदल रहा है, कैसे हम मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीनों गियर का भी मैं आपको चक्कर दिखाऊंगा कि कैसे मशीन तीन गियर पे चल रही है। क्योंकि सर देखो सूखी मिट्टी में चलेगी तभी पता चलेगा कि इंजन दबता है कि नहीं दबता है। इंजन दबना ही नहीं है जी, दबना नहीं है तो चला के दिखा दो फिर, और बैक और चला के दिखाना। हाँ जी तो क्योंकि बैक नहीं देखा हमने चलता, तो बैक एक बार देखेंगे किस प्रकार से बैक चलता है। जरूर जी, तो देखो एक बार लाइव डेमो देखेंगे, लाइव डेमो इसका लेना तो है ही, और सूखी मिट्टी में ही लेंगे हम इसका लाइव डेमो। तो एक ये भारी भारी मोटे मोटे टायर इसमें लगाए हैं, इनके बारे में और कुछ जानकारी दीजिए। ये टायर जी हमारे किसान भाई कहते थे कि मुझे एक ऐसे मशीन पर टायर लगाओ जो हमारा ग्रिप बनाए, लोड उठाए और तापमान पे बढ़िया चले, चाहे भारी मिट्टी हो कि चिकनी मिट्टी हो उसमें भी स्लिप ना करे। अब बड़े टायर तो मैं लगा दूं पर बड़े टायर को फिर इतनी भारी मशीन के साथ घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इसमें मैंने इजी टर्निंग भी लगा दिया है। तो हमारे किसान भाई इतनी बड़ी मशीन को भी आसानी से इतने बड़े टायर लगा दिए। अब जब हमारे किसान भाई कहते थे कि जी हमें बड़े टायर चाहिए, मोटी गुड्डी के टायर चाहिए, ग्रिप हमें अच्छी चाहिए, लोड पड़े टायरों पे, हम ट्रॉली यूज़ करते हैं खेत से घर तक जाने के लिए, तो टायरों में भी ऐसी जान होनी चाहिए कि वो ट्रॉली का वजन उठा ले, ट्रॉली में दिया हुआ वजन भी उठा ले। तो इसलिए हमने इसमें ग्रिप के ट्रैक्टर के रेडियल टायर यूज़ करें, नायलॉन सिंथेटिक रबर। अब बड़े टायर हैं, मोड़ने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमने इसमें ईजी टर्निंग का भी फीचर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं कि मैं इसे आराम से मशीन को किसी भी ढंग से घुमा सकता हूँ। पूरा का पूरा सर मैं घुमा के देखती हूँ क्योंकि मेरे को भी तो पता चले। हाँ जी हाँ जी, ठीक घूमता है कि नहीं है। पीछे इस साइड मेरी तरफ घुमा लो, आपकी तरफ घुमा लूँ, पहले मैं दोनों तरफ घुमा लेती हूँ। तो ये देखिए आराम से घूम सकती है ये, और मैं भी साथ में घूम रही हूँ, मेरे को चक्कर भी आ जाएंगे घुमाते घुमाते। तो ये अच्छा ऐसे भी खड़ी हो जाती है और वैसे भी खड़ी हो जाती है। तो ये देखिए मतलब मैंने भी इसको घुमा के देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक बार लाइव डेमो हो जाए? हो जाए जी। सूखी मिट्टी में हो जाए? सूखी मिट्टी में करना है? मैं करूंगा, फर्श पे चलवा लीजिए। फर्श तो सर देखो किसको खराब करना, फर्श लगवाया इसलिए जाता है कि खराब ना हो। तो सूखी मिट्टी में करेंगे, तो लगाओ अटैचमेंट और करके देखते हैं इसका लाइव डेमो। तो ईव तो हमने घुमा के देखा था, एक बार स्टार्ट और देख ले स्लैप स्टार्ट है तो किस प्रकार से होगा। वाह जी वाह, मौज कर दी, पढ़ते ही स्टार्ट हो जा है सर, मैं चला के और दिखा दो, चला के दिखाओगे पहले पहले गियर में, और ये सूखी मिट्टी में चला के दिखाना है। ठीक है, तो पहले गियर में सूखी मिट्टी में चलेगा। वाह जी वाह, और आप देख सको मतलब बिल्कुल सूखी मिट्टी है, रही है बिल्कुल सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी में चल रहा है, देखो बिल्कुल सूखी मिट्टी है। और मतलब सर दूसरा गियर लग गया, और बिल्कुल सूखी मिट्टी है, और साथ में घास भी हुई है, तो सब तो उखाड़ के फेंक रही है ये घास को भी, मिट्टी को भी। नीचे देखो इतनी नीचे चली गई है, गिली मिट्टी आ गई है। पर तीसरा गियर और लगाओ और उधर लेके जाओ सूखी मिट्टी में, तो उधर सूखी मिट्टी में देखेंगे चला के, वो
तीसरे में चल रही है जी, पर इसको रिवर्स ऑन कर सकते हो? रिवर्स चलेगी ये, तो देखो वो आराम से पीछे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही चलाने में। तो ये बाकी की चीजें पूछेंगे। आइए सर, सीएम गुप्ता सर हमारी ऐसा ही है जी, हमारा भूमि पुत्र भूमि से निकला है जी, और भूमि को बिल्कुल खदेड़ के रख देता है। हाँ जी। और रिवर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आनी नहीं है जी, कोई भी मिट्टी हो कैसे भी हो। धूल उठा दी है। बस भाई रोक दे, मैं सारा पाउडर बिना पीछा का मारा लग जाएगा। तो बिना पीछा का पाउडर लागे उससे पहले पूछ ले हम सारी चीजें, क्योंकि ज़्यादा चलवाया तो फिर पाउडर मारा लगना गेला, सीएम सर का भी लगेगा बिना पीछा का पाउडर। तो सर ईविस की जो बाकी की चीजें हैं वो पूछ लेते हैं, और क्या इसमें मतलब लेके आए हो, और क्या इसकी वो बता दो कि किस प्रकार से प्रोसेस है जो किसान भाई ले जा सके। ये तो जी हम किसानों का हक बनगा कहीं लेकर आए, हमारा जो मेहनत है वो दिखाती है, हमारे किसान भाइयों का हक बन के आया है, उनके हित में ये मशीन मैंने बनाई है। क्या होता है कि देश जिस तेज़ी से देश बदलाव कर रहा है, विकास कर रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे किसान भी उस तेज़ी से विकास करें, विकास की ओर जाएं, और उनका जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मेरी ब्रांड को दे रहे हैं, वो एग्रीकट को जो प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस तरह से वो विश्वास रख रहे हैं हम पे, वो चीज़ मुझे प्रेरणा बन के मिलती है, और उसी प्रेरणा से मैं बदलाव लाने की सोचता हूँ हमेशा ही। तो सर ये कौन सी स्पीड से चलेगा, 4G 5G कौन सी स्पीड से चलता है? वैसे हमने देख लिया है लेकिन फिर भी आपके मुंह से पूछना चाहते हैं। आप जी इसे लगा लो 8G एडवांस हम एडवांस में चलते हैं जी। तो मतलब सबको पीछे छोड़ दिया है, 4G 5G छोड़ दिया है जी, सबको पीछे छोड़ दिया है जी। BS6 इंजन है जी ये, आप ये लगा के चलिए कि जो इंजन कारों में आते थे, जो प्रोटोकॉल्स जिस इंजन के प्रोटोकॉल्स बनाते थे कारों में, BS6 BS4, उस BS6 इंजन प्रोटोकॉल पे हमने इंजन तैयार करवाया जी। तो ये एडवांस आ गया है, तो इस एडवांस को लेने के लिए लोकेशन बताइए कहाँ। आप यूं ही कह दो देसी में, अपना पढ़ा लिखा वीडर आ गया है जी। पढ़ा लिखा सर बता तो दो, ग्रेजुएशन कर रहा है, कितना पढ़ रहा है? मेरे ख्याल से सब कुछ पीछे छोड़ दिया। हाँ जी। तो पढ़े लिखे वीडर को लेने के लिए जब आएंगे तो लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना। हाँ, आप हमारे जितने भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं वीडियो, AVS इंटरनेशनल जो कि डिस्ट्रिक्ट पलवल स्टेट हरियाणा में है, आप आइए, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी लोकेशन हमसे ले सकते हैं, हमारी फैक्ट्री विजिट करिए, आएंगे आपको तसल्ली से मशीन दिखाएंगे, लाइव डेमो भी दिखाएंगे, आप खुद भी चला के मशीन को देख सकते हैं। और अगर जो किसान भाई नहीं आ सकते घर पे, मतलब कि जो हमारे किसान भाई नहीं आ सकते, वह इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मशीन के वीडियोस, अपनी समस्याएं, अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, और घर बैठे मशीन को ऑर्डर दे सकते हैं। ये अब लगा के दिखाएंगे आपको कि जब मतलब घर पे जाना हो या इस पे बैठ के चलना हो, तो मतलब घर से खेत में लेके आना है तो किस प्रकार से बैठ के आराम से हवा खाते हुए किस प्रकार से किसान खेत में पहुँचेगा, तो अभी दिखाएंगे वो चीज़ें भी। इससे तो हम अभी आपको जोत के भी दिखाएंगे जी। बिल्कुल सर, हम देखेंगे, हम यहीं पर थोड़ा और पाउडर लगवा लेंगे, यही होगा और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो एक बार ये और देखते हैं। हाँ जी, इसमें बैठ के आप आसानी से काम कर सकते हैं भूमि पुत्र के साथ, आप इसमें कोई सी भी अटैचमेंट या सीट अटैचमेंट हमने कुछ ऐसे किसान भाइयों के लिए तैयार की है जो कहते हैं कि हमें दूसरा चक्कर बैठ के करना है जी, तो उसके लिए हमने ये सीट अटैचमेंट तैयार करी है। देखो सर, अगर मान लो कोई एकड़ जमीन है तो इससे जोतनी पड़ जाए तो वैसे तो इंसान थक जाएगा चलता चलता, तो मतलब ये ट्रैक्टर की तरह इस पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रैक्टर ही बना दिया जी हमने, बिल्कुल ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर हमने
तैयार कर दिया जी हमारे किसान भाई, इतने सारे फीचर ले आए हो कि ट्रैक्टर में भी अटैच ना हो। बस जी किसान भाइयों का आशीर्वाद है, ऐसे ही आशीर्वाद हमें मिलता रहा तो आज एग्रीकट किसान भाइयों के लिए बड़े से बड़े बदलाव लेकर आएगा। अटैचमेंट लगाई है तो इसमें तो मतलब थकेगा नहीं इंसान, कितनी देर तक चलाता रहो लगातार। वैसे भी नहीं थकने वाला और अब तो बिल्कुल ही आराम से मशीन को चला सकेगा। अगर बात करें जैसे आपने बताया डीजल में है ये मशीन, तो मतलब कितने लीटर में कितने एकड़ जमीन कवर करेगी? इसका हमने वर्किंग आवर्स, इसकी कार्य करने की क्षमता हमने बढ़ा दी है। अब आप इसमें एक एकड़, एक लीटर में एक एकड़ तक आसानी से काम कर सकते हैं। एक लीटर में? एक लीटर की इसकी कंजप्शन रहती है, घंटे की नहीं, एक घंटे की एक लीटर की कंजप्शन रहती है, पर एक घंटे में आप एक एकड़ तक की इसकी जुताई कर सकते हैं। सर एक एकड़ बहुत हो जाता बहुत है? हो जाता है जी, तभी तो बता रहा हूँ मैं, अपना भूमि पर तैयार ही हमारे किसानों भाइयों के लिए किया। खपत कम काम ज्यादा, खपत कम काम ज्यादा, मौज कर दी। तो किसान भाइयों के लिए मौज कर दी है, खपत कम है और काम ज्यादा है। तो ये 10 HP का है और स्पीड आप देख रहे हो आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है, तो मतलब आपको बता दिया है। तो सर प्रोसेस इसकी सेम रहेगी? प्रोसेस इसकी सेम रहेगी जी, जैसे और पावर वीडर। हाँ 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 जी हाँ जी। तो देखिए प्रोसेस सेम रहेगी और आप देख भी रहे हो कि किस प्रकार से, अगर मैं बैठना चाहूँ तो बैठ सकती हूँ उस पर? बैठ सकते हो जी। अरे रुक, एक बार खड़े हो जाऊँगी मैं उधर। चलो चलो, देखिए अब मेरे बैठने के बाद भी ये चल रहा है और मैं भी मजी ले लाग रही हूँ। और आपको ये पावर वीटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्दी से जल्दी पावर वीटर के लिए ऑर्डर करें, स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मैं थोड़ी सी मजी ले लेती हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।